हाँ जी, क्या हाल है। और मुझे पता है कि आप सब लोग इस वीडियो का भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि भाई ये वीडियो इस महीने तो एक बार भी नहीं आई, जबकि जो सिस्टम लॉन्चर है उसके भाई काफी सारे अपडेट्स आ गए थे। और इस टाइम पर मैं यूज कर रहा हूँ रियलमी 12 Pro 5G। और अगर आप लोग देखें तो भाई इस फोन के अंदर जो नए सिस्टम लॉन्चर का अपडेट आया है उसमें जो बैकग्राउंड ब्लर है भाई कितना बढ़िया तरीके से हो रहा है, जो देखने में काफी अच्छा भी लगता है। वैसे आपको पता कि भाई बहुत सारे फोन लॉन्च हो रहे थे तो यहाँ पर वीडियो बनाने का नहीं मिला, आज टाइम मिला। तो आज आपको इस वीडियो में Realme UI 5.0 के जो नए सिस्टम लॉन्चर है उसके बारे में बताऊंगा, कैसे आप लोग इसको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, कौन कौन से नए फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिले हैं और कहां पर आप लोगों को इसका जो डाउनलोडिंग लिंक है वो देखने को मिलेगा। सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। पहली बार चैनल के ऊपर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दो। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग फीचर्स की बात करते हैं। अब सबसे फीचर आपको इस सिस्टम लॉन्चर के नए अपडेट के अंदर देखने को मिलेगा वो रहा नया नोटिफिकेशन पैनल, जो कुछ इस तरीके का है। लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है, अगर आपके फोन के अंदर मई या जून मंथ का सिक्योरिटी पैच का अपडेट नहीं आया होगा तो अगर आप लोग इस सिस्टम लॉन्चर को इंस्टॉल भी कर लोगे फिर भी आपको नया नोटिफिकेशन पैनल नहीं मिलेगा, जो ओल्ड वाला है वही आपके फोन के अंदर रहेगा। तो सिस्टम लॉन्चर को इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर कर लेना कि आपके फोन के अंदर जो सिक्योरिटी पैच का अपडेट है भाई वो मई या जून मंथ का होना चाहिए। अगर अप्रैल का होगा तो आपके फोन के अंदर नहीं आएगा। और भाई इस सिस्टम लॉन्चर के अंदर आप लोगों को जो नया कंट्रोलर है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप लोगों को आपकी ब्राइटनेस बार ऊपर देखने को मिल जाएगी, साथ में आपका जो वॉल्यूम टॉगल है वो भी आपको नोटिफिकेशन पैनल के अंदर देखने को मिल जाएगा। और आपको नए वाला नोटिफिकेशन पैनल पसंद है या ओल्ड वाला मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। अब अगला चेंजेस आपको मिलेगा ऐप ड्रॉअर के अंदर, भाई वो रहा बैकग्राउंड ब्लर का। अगर आप लोग ध्यान से चेक कर दो भाई कितना बढ़िया जो बैकग्राउंड बोके इफेक्ट है वो आप लोगों को ऐप ड्रॉ के अंदर देखने को मिल जाता है, जिससे भाई जो आपका सिस्टम लॉन्चर है उसको यूज करने में मजा भी आता है, देखने में काफी बढ़िया भी लगता है। और अब आप लोगों को यहां पर 4 रो देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे बंदे बोलते थे भाई ऐप ड्रॉ के अंदर कैसे रो चेंज करें, तो इसके अंदर आप लोग रो भी चेंज कर सकते हो, 4 रो 4 कॉलम आप लोग यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे ये वाला सिस्टम लॉन्चर के अंदर जो नया बैकग्राउंड ब्लर है वो देखने को मिल गया, जो भाई काफी बंदे डिमांड कर रहे थे, ये फीचर भी अब यहां पर इस अपडेट में ऐड हो गया है। नेक्स्ट फीचर और जो चेंजेस है वो भी आप लोगों को इसी सिस्टम लॉन्चर के अंदर मिलेगा, वो रहा सेटिंग का नया यूआई। अगर आप लोग जैसे सेटिंग ओपन करोगे लेट्स सी भाई आप लोगों को नया यूआई देखने को मिल जाएगा, जो देखने में कुछ इस तरीके का लगता है। सेक्शन को ऊपर नीचे यहां पर कर दिया गया है और कई सारे नए फीचर भी यहां पर ऐड कर दिए हैं। अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखो तो भाई फीचर्स कुछ रिमूव भी हो गए हैं और कुछ फीचर्स को रियलमी ने मेन स्क्रीन से निकाल करके जो अपने सेटिंग्स है उनके अंदर वाले फीचर्स के अंदर ऐड कर दिया है। जैसे कि सिस्टम एंड अपडेट के अंदर चेक करोगे तब सॉफ्टवेयर अपडेट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, यहां से आप लोग फोन करो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो चेक कर सकते हैं। साथ में यहां पर जो सिस्टम नेविगेशन है अगर आप लोग जैसे यूज करते हो तो इनको अच्छे से कस्टमाइज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग इनका जो यहां पर सेंसिटिविटी है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, भाई आप लोगों को किस तरीके की जो सेंसिटिविटी है वो रखनी है, ये सब कुछ आपको यहां पर फीचर्स वगैरह इस नए अपडेट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। साथ में टच पैड का ऑप्शन मिलता है लेकिन अभी तक ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, इन फ्यूचर रियलमी इसको अच्छे से अपडेट कर सकता है बट इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बैटरी सेक्शन को अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है, अगर आप लोग ध्यान से बैटरी सेक्शन का कलर देखें तो यहां पर जो ग्रीन कलर है पहले डल आता था लेकिन अब इसको थोड़ा सा ब्राइट कर दिया है, जो देखने में कुछ इस तरीके का लगता है। और यहां पर चार्जिंग लिमिट का नया ऑप्शन रियलमी ने ऐड कर दिया है, मोस्टली फोन के अंदर ये फीचर ऐड नहीं था लेकिन अब रियलमी ने ये सारे फीचर यहां पर ऐड कर दिए हैं। आपको यूआई कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। साथ में आप लोगों को जो नया कंट्रोल सेंटर है वो भी देखने को मिल जाता है, देखने में कुछ इस तरीके का लगता है। बाकी इसके बैकग्राउंड में अगर आप लोग बोके इफेक्ट चेक करें जो देखने में काफी बढ़िया लगता है, और साथ में आप लोग ऐप वाइज जो वॉल्यूम है उसको कम ज्यादा कर सकते हो, जैसे कि यहां पर विंक म्यूजिक सिर्फ एक ऐप की वॉल्यूम कम करनी है तो मैं यहां पर एक ऐप की जो वॉल्यूम है वो भी कम कर सकता हूं, जो फीचर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। और ये सारे फीचर रियलमी अपकमिंग अपडेट जो आपको आएगा मई या जून मंथ का उसमें ऐड कर देगा। नेक्स्ट फीचर्स वगैरह आपको मिलेंगे फोन की सेटिंग्स के अंदर, अपने स्क्रीन को पिंच करना एंड होम स्क्रीन जो आपकी लॉक स्क्रीन की सेटिंग है, ये सारे फीचर आपको जैसे पहले थे वैसे ही देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप लोगों ने स्वैप डाउन करके ग्लोबल सर्च रखना है, सेल्फ रखना है, नोटिफिकेशन ड्रॉ रखना है, अपने हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हो। और यहां पर जो लॉक स्क्रीन शॉर्टकट थे भाई पहले लिमिटेड देखने को मिलते थे लेकिन अब कितने सारे यहां पर ऐड कर दिए हैं रियलमी ने, जैसे कि टॉर्च, ग्लैंस फॉर रियलमी, स्नैपचैट, क्यूआर कोड, गूगल पे, गूगल
असिस्टेंट, डिवाइस कंट्रोल जो आपने रखना हो वो आप लोग रख सकते हो। और यहाँ पर क्लॉक स्टाइल भी अब आप लोगों को ड्यूल जो है वो आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। तो भाई क्या ढेर सारे भर भर के प्रीमियम फीचर रियलमी ने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब देखो बहुत सारी बातें हो गई सिस्टम लॉन्चर के इस नए अपडेट के अंदर, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या फीचर्स आए हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब देखो आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, बट उससे पहले डाउनलोड कहां से करें, तो देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को Realme सिस्टम एप्स अपडेट इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप लोगों ने इस टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लेना है। वेल, जैसे आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे उसके बाद यहां पर आपने फाइल सेक्शन के अंदर आप लोगों को जो सिस्टम लॉन्चर है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने यहां पर सिस्टम लॉन्चर को शेयर कर दिया। आप लोगों ने बस यहां पर ढूंढना है कि भाई कहां पर कौन सी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहां पर सारी एप्लीकेशन के जो अपडेट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक एक करके आप लोगों ने जो एप्स आपको अपडेट करनी है उसको आप लोगों ने यहां पर कर लेना है। ये रहा सिस्टम लॉन्चर, इसको आपने ढूंढना है, डाउनलोड करके इसके ऊपर सिंपली आपने क्लिक करना है और यहां से अपडेट कर लो। अपडेट करने के बाद आपका सिस्टम लॉन्चर अपडेट हो जाएगा। दैट्स इट, आपका हो गया काम। अब आपके फोन के अंदर सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो एनेबल हो गए होंगे। बट मेक श्योर आपके फोन के अंदर मई या जून मंथ का जो सिक्योरिटी पैच का अपडेट है वो आ गया होना चाहिए। वैसे इस सिस्टम लॉन्चर का जो डायरेक्ट लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।